नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं ब्रेकडाउन पे आया हूँ और गाड़ी है टाटा एस गोल्ड BS6 पेट्रोल। तो इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी रनिंग में गाड़ी बंद हो गए। तो इसको अपन स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाऊंगा मैंने जो रिले टेस्टर है उसकी हेल्प से फॉल्ट को मैंने फाइंड आउट किया है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसा मैंने फॉल्ट को क्लियर किया। तो एक बार मैं गाड़ी दिखाता हूँ, टाटा एस गोल्ड है। तो गाड़ी का मैं इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ। ऑन किया, यहाँ पे देखेंगे तो लाइट प्रॉपर तो आ रही है, इसमें दोनों चेक लाइट आ रहा है प्रॉपर, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इसको ऑफ करता हूँ मैं। ऑफ किया, ऑन किया और गाड़ी को करते हैं क्रैंकिंग। वापस एक बार बंद करता हूँ और इसमें क्या, पहली बार तो सेल्फ लिया, अभी तो सेल्फ लेने के लिए भी तैयार नहीं है। लिया लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कभी कभी ये सेल्फ भी बराबर नहीं लेता है, सेल्फ लेके छोड़ देता है, छोड़ दिया। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, साथ में सेल भी प्रॉपर नहीं ले रहा है। तो अपन इसको एक बार स्कैन करते हैं। तो अपन X2PS70 Pro स्कैनर के ऊपर स्कैन करते हैं एक बार और करेंगे ऑटो स्कैन। डायग्नोस और जाएंगे पिकअप में BS6। SCV पेट्रोल सिस्टम सिलेक्शन, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, रेड ट्रबल कोड करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड शो हो रहा है P0627-13, फ्यूल पंप ए, कंट्रोल सर्किट ओपन, सर्किट ओपन और एक कंफर्म में फॉल्ट कोड है। इसको एक बार मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर ट्रबल कोड सक्सेसफुली रेड ट्रबल कोड। तो ये फॉल्ट कोड जा नहीं रहा है, ये रिपीट आ रहा है, इट मीन्स ये फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है वो आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि पेट्रोल नहीं आ रहा है। तो मैंने चेक किया और मुझे जो फाइनली फॉल्ट मिला वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसका फ्यूल पंप भी सही है, इसका वायरिंग भी सही है, लेकिन आपको मैं एक बार इसका प्रॉब्लम दिखाता हूँ, इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इसके नीचे है ना, बूस्टर के नीचे इधर इसका रिले आते हैं। तो इसमें बहुत सारे रिले हैं, लेकिन मैं आपको फ्यूल पंप का रिले दिखाता हूँ। ये जो ब्लू कलर वाला है ये इसका फ्यूल पंप का रिले है। ब्लैक वाला भी आता है, लेकिन ये शायद ये ब्लू कलर का है। तो एक बार इसको चेक करते हैं। तो रिले को टेस्ट कैसे करते वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फ्यूल पंप का रिले है, तो इस रिले को मैं रिले टेस्टर के ऊपर टेस्ट करूंगा। ये इसमें 4-pin 5-pin दोनों टाइप के रिले आप चेक कर सकते हैं, 4-pin है 5-pin है। तो 4-pin है इसलिए मैं ये बटन को ऊपर करूंगा, 4-pin के ऊपर, 5-pin रहेगा तो मुझे नीचे लेना पड़ेगा। और ये 4-pin है, शायद ये रिले डाला हुआ था कभी, मेरे को लगता है जहाँ तक कस्टमर ने, इसको मैं इस स्लॉट में लगा दिया। और इसका जो बैटरी पे अपन पॉजिटिव और निगेटिव लगाएंगे और इसको अपन टेस्ट करेंगे। तो इसका ये बैटरी है और बैटरी के अपन पॉजिटिव में लगाते हैं और एक लगाएंगे निगेटिव में। एक पॉजिटिव में लगा दिया और एक क्लिप इसके निगेटिव में लगा दी। और यहाँ पे मैंने
लगा है, तो इसको अपन टेस्ट करते हैं। तो ये डायरेक्ट रेड आ रहा है, इसको यहाँ पे ना इस ग्रीन आना चाहिए था, लेकिन ये रेड आ रहा है डायरेक्ट। मैं टेस्ट में जैसे ही जाता हूँ तो ये टक 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 करके इसका फाइनल मतलब सही है क्या खराब है वो बताएगा, लेकिन ये डायरेक्टली बता दिया ये रेड आ रहा है सिंबल, मतलब ये खराब है। तो मेरे पास एक दूसरा रिले है, मैं आपको ये रिले मैं आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। मैंने दूसरा रिले लाया हुआ है, इसको अपन टेस्ट करते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। इसको मैंने निकाला और इसको लगाते हैं अपन। यहाँ पे लगा दिया और अभी करेंगे इसको टेस्ट। तो यहाँ पे इसका टेस्ट चालू हो गया, आप आवाज़ भी सुनते रहेंगे, टक 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 आवाज़ आ रहा है। और ये फाइनल रिजल्ट देगा ये सही है ख़राब है, ये अपना ऑलरेडी सही रिल है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका ग्रीन साइन आ गया, मतलब ये प्रॉपर ओके है, ये ग्रीन साइन है, शायद आप लाइट से कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रीन साइन है। वापस एक बार आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, और टेस्ट आपको एक दो तीन बार करना है। कभी कभी फर्स्ट टेस्ट कुछ वीक रहता है, तो फर्स्ट टेस्ट में शायद चलेगा, लेकिन सेकंड टेस्ट में नहीं चलता है, ऐसा भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। तो दो तीन बार टेस्ट किया तो ये देखो ये ग्रीन साइन आ गया, मतलब इट मीन्स ये अपना जो लाया हुआ नया रिले है ये ओके है। और सेम अपना जो फ्यूल पम्प का जो बैड रिले है वो आपको मैं लगा के दिखाता हूँ वापस एक बार। हम बड़ा रिले भी चेक कर सकते हैं, 4 पिन 5 पिन वाला, ये छोटा है अपने पास। तो इसको मैं एक बार टेस्ट करता हूँ, ये रेड लाइट आ गया, तो ये खराब है। तो आप इजीली आप चेक भी कर सकते हैं इसको कि 2 मिनट में रिले चेक हो जाता है। तो इसको एक बार लगा के दिखाता हूँ आपको मैं, तो अपन इस रिले को लगाते हैं। तो फाइनली मैंने रिले को लगा दिया, और एक बार गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, इग्निशन स्विच ऑन किया और गाड़ी को करते हैं क्रैंकिंग, तो गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई। अब आवाज भी सुन रहे और इसमें चेक लाइट आ रहे, तो फॉल्ट कोड को एक बार मैं चेक करता हूँ। फॉल्ट कोड को चेक करते हैं, रेड ट्रबल कोड। तो ये पहला करंट में फॉल्ट कोड था, ये मेमोरीज हो गया, मतलब ये हिस्ट्री में चला गया, तो ये अभी क्लियर भी हो जाएगा। पहले ये क्लियर भी नहीं हो रहा था फ्यूल पंप का फॉल्ट, इसको मैं क्लियर करता हूँ सक्सेसफुली। रेड ट्रबल कोड तो नो ट्रबल कोड, क्योंकि ये पहला और ये साथ में इसका चेक लाइट भी चला गया है इसका, बट स्टार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फायदा हासिल हुआ रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।